हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहा है और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज मैं यहाँ पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी फिशिंग है आज, तो उसी के लिए उसी को लेके मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। क्योंकि ये जो मेरा सेकेंड टाइम होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पर तो मुझे एक भी फिश नहीं मिला था, तो आज देखते हुए मुझे मिलता ही कि नहीं। तो मैं और मेरी बहन आए हैं, कज़िन, तो हम दोनों जाएंगे और हम लोग हर कोई ये वाला पकड़ के जाते हैं। वहाँ ये हम लोग का है और अभी हम लोग किसी भाई का वेट कर रहा है जो हम लोग को लेके जाएगा लोकेशन पे। तो कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ग्रुप बना के रखते हैं, यहाँ पे टाइटल की जो है इंसान लोग ग्रुप बना के रखते हैं, उसे बोलते हैं हम मरम। तो वो मरम जो होते हैं, हम लोग का जो सीनियर लोग बूढ़ा बूढ़ी जो बूढ़ा होते हैं ना, बूढ़ा लोग होते हैं, तो वो लोग जो है फिश वो लोग को देता है, उसको बोलते हैं मरम। वो लोग आग जला के रुकेगा, यहाँ पे एक अलग टाइटल का, वहाँ पे अलग टाइटल, एंड देन वहाँ पे कोई अलग, इसे ना ग्रुप में डिवाइड होता है। तो यस वही है, आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे फिश पकड़। तो ये है मर्जिंग लोग और ये लोग जा रहा है आगे की ओर। एक मिनट, ये लोग कहाँ जा रहा है? ये लोग मरम है, बोले मरम डूबोम ना। तो ये लोग है मरम में बैठेंगे अभी जाके। तो इसका जो टाइटल का लोग आके उन लोगों को फिश देंगे, क्योंकि लोग बुरा हो गया है तो उन लोगों को अभी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाके ऐसे पानी में हार्ड वर्क करके ये करके वो करके जंगल में जाना, अभी फिश देते हैं। तो गाइस वो ऊपर में जो है तो वहाँ पे कोम्बो का मरम है, तो ये जो है ताकार कोम्बो जाके मुझे वीडियो ले देंगे, क्योंकि वहाँ पे लड़की का जाना जो है मना है, तो अभी हमको ये वीडियो ले देंगे। माहिम बे मानिको मालिक हा रे मोरो ते अम्बिर रो तम रो तम बिद ला हा हि एवन ना वीडियो गे ते मगो नेम तो भी मत वीडियो लो आई को मैं बना बगे ते मि मगो गेम जी जों के मगो तम भी तरह पाक तम हि गोरगा हो पाखो गोरगा बरु रु ना YouTube लो आई को निके आई को ए कोन रे इस गांव सिमोंग बस्ती में ग्रुप ग्रुप में ये मैडम होता है। मैडम माने ऐसा कि मिलावट मैडम होता है, इसमें आठ तो मैडम है। इसी का द्वारा हम लोग का यहाँ एक ऐसा तमू बोल के त्योहार है, और इस त्योहार में सब लोग नदी में जाके दबा डाल के और मच्छी मारता है। मच्छी मारते हुए तो एक बड़ा त्योहार माना जाता है यहाँ, और आदि का एक ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये सब आपसियांग मिलके सहयोग करके सब दवा हुआ नदी में डाल के मच्छी मराता है। ये हम लोग का प्राचीन काल में ऐसा माँ बाप लोग करते हुए आया है, इसलिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। छाड़ा मच्छी को मार के और उसके बाद ग्रुप ग्रुप जो बस्ती में कर रहा है उसी में मच्छी को लिया करके सब आपस में बंटवारा करके, औरत लोग भी और मोरत लोग भी बंटवारा करके शाम को ऐसा त्यौहार मनाता है। खा पी के सब धूमधाम त्यौहार मनाता है। कोमकड़े पिकअप को बोले रहो तो कोई नहीं जाए।
हाय 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 तो गाइस थैंक यू सो मच मिस्टर डॉक्टर आई डू द डे। गाइस हम लोग अभी पैदल चल रहा है, पैदल चल चल के हमें वो नदी तक जाना है जहाँ पे फिशिंग होगा आज, तो वहाँ तक हम लोगों को पैदल जाना है। तब तक ये सब आप एंजॉय कीजिए जंगल का जो फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर, एंड रास्ते देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं हम। उसमें इसमें वापस आने के टाइम हमारी टाई फीस हो जाएंगी। तो वीडियो एंड तक देखिए और देखिए हम क्या करेंगे आज, कितने मस्ती करने वाले हैं। और आते वापस आते समय तो ऑब्वियसली पता ही होंगे, तो हम नीचे तक जा रहे तो नीचे ही तक जाएगा हम लोग। कितना किलोमीटर होगा ना नीचे तक? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा क्या? टू अच्छा तो 2 किलोमीटर। तो हम ऊपर से आए हैं। ठीक है गाइस, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और ये जंगल की फ्लावर एंजॉय कीजिए। वाओ, ये चिड़िया की आवाज़, ये जंगल, इसकी स्मेल, इट्स रियली गुड, इट्स रियली वेरी लाइक दिल छूने वाली फीलिंग्स आती है। Hola. Full. यहाँ से पानी आता था होगा ना? पानी आता था होगा यहाँ से। तो हम सॉक्स पहन के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्लिपरी होते हैं, तो वी हैव टू यूज सॉक्स बिकॉज वहाँ पे नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। अरे मम्मी, रास्ता कैसे निशान है ये पहचान में आने के लिए? तो गाइस बने रहिए भाई, हम ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ मैं। चला अभी बहुत पाँव में गुड़गुड़ी हो गया अभी हम मेहनत के बाद में ठीक से धुलाई मारेगा। बहुत दिन के बाद आए हो तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। मेरे जो पाँव है बहुत गुदगुदी हो रहा है अभी। वो हमें पानी की आवाज़ सुनाई दे रहा है, शायद हम सामने पहुँचने वाले हैं। तो चलिए यहाँ जाइए, यहाँ पे देखो फ्लावर भी मिलता है, आपको देख सकते हैं ये वाइल्ड फ्लावर। वाओ, तो सुंदर है ये, इसको हम बाद में तोड़ के लेके जाएगा जाने के टाइम। अभी तोड़ लेती हूँ मैं, बाद में भूल जाएगा इसीलिए। आया ये जंगल में मिलता है हम लोग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? इसलिए हम लेके जाएंगे और डालेंगे। तो गाइस फाइनली पानी को दिखाई दे रहा है अभी बहुत मुश्किलों के बाद। और देखो मेरा हालत तो खत्म हो गया, देखो ज़्यादा ठंडने के बाद हो रहा पानी है ये। अभी हम जाके थोड़ा रेस करेंगे, एकदम थक चुकी हूँ मैं। तो ये मेरे बहन को देखिए इतना फीडबैक है जो मुझे लेके आया है, फीडबैक के आके चला गया। तो मैं भी आती हूँ अभी उसके पास। बाय बाय, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी उसमें। लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, लगता है साइड साइड में अपना जगह बना के आगे जाएगा। अरे हो गए, आदमी तो जगह बना चुका है हम लोग ऐसे रखते हैं, उसको देख रहा है ना साइड में, तो उसे अच्छे से रखना हमें अपने स्पेस कवर करने के लिए। युवा में था, युवा में ओवर स्पीड हो रहा, हमको बहुत डर लग रहा है कि हमें से पानी मिलने जाता है। मजा आना नीचे रखेगा हम लोग यहाँ पे, ये हमारा जगह है, जगह देखो सारा लोग ऊपर तक है। अभी हम लोग यहाँ पे लोग को ढूंढने नहीं जा सकते, तो आस पास में जितना है जितना कितनी ज़्यादा है, तो बस जो मेरे आस पास है उसी को दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, हम लोग का चटनी खाना, देखो यहाँ पे
मीट लाना इलाव नहीं है ना। हाँ तो ये हम देखा है, देखो सब लोग बैठा है तो हम लोग को भूख लग गया। मेरी मामा ये बहन का चटनी, ये मेरा खाना, ये जीला, अब हम लोग ये खाएगा। ये ये टेस्टी तो गाइस हमारी कम्युनिटी फिशिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी हम अब लोगों को देख के मैं से दिखाएगा। देखिए तो गाइस सब देखिए सूखा हुआ है, ऊपर से लेकिन नीचे तक, नीचे तक ही आधा तो आधा पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस फिशिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, फाइनली फिश आ चुका है। तो अभी हम फिश ढूंढने जाएंगे और उसके बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें लास्ट में दिखाऊंगी। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, बाय। देखिए मेरे इतना पकड़े हैं फिश, सबसे बड़ा फिश ये है, देख सबसे बड़ा, और ये बाकी छोटा छोटा है। तो ये मेरे पकड़ा हुआ है और बहन का जो है स्कूटी के डिक्की के अंदर है। भाई सभी कम्युनिटी फिशिंग ख़त्म हो गया है और हम लोग सिमोंग बस्ती आ गया है। देखिए ये है नज़ारा सिमोंग बस्ती, सिमोंग विलेज का नज़ारा, और ये है सिमोंग का हॉल, इसे हम कहते हैं दरा। देखिए सब इसमें फायर वुड आग जलाने का जगह, वहाँ पे सब जगह है। कुछ भी फंक्शन होने से वो लोग यहाँ पे पूरा डांस करता है, पोनू डांस होता है, जो भी डांस कल्चरल इवेंट्स जो भी होगा, या फिर कोई बड़ा MLA वगैरह आएगा या फिर कुछ आ रहा है, सब होने से यहाँ पे हमारी पोनू डांस वगैरह होते हैं। ये फायर वुड की सराउंडिंग में हम लोग पोनू करके ऐसा होता है हम लोग का आदि में, तो ऐसे कुछ लंबा सा होता है ये हॉल। और ये व्यू तो क्या बोलेगा, वाओ इट्स अमेजिंग। तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को, वाओ ये पोमेलो और ये है बस्ती। तो वो नीचे में है पयांग लोग का, आई वो नीचे में है पयांग लोग का, नीचे साइड में यहाँ पे लेवांग लोग का है, यहाँ पे दांगन लोग का पता नहीं, वो है नुबा ब्रिज, नुबा ब्रिज को चलता रहना। तो यह है